गुलबर्गा वार्ड नंबर 19 खाजा कॉलोनी बड़ा रोजा एरिया टीपू कॉलेज में गौस मत्तेमूर की जानिब से कंप्लीट फ्री हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कई बुजुर्ग महिलाएं और नौजवानों ने अपना हेल्थ चेकअप करवाया है। 5 मार्च संडे को क्रिस्टल हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन कर हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। शहर में ऐसे कई बीमारियां हैं जिसके इलाज के लिए लोग परेशान नजर आते हैं। फ्री हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर गौस मत्तेमूर की जानिब से कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप के साथ फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इस मौके पर गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा और दीगर वार्ड्स के कांग्रेस कॉर्पोरेटर्स और कार्यकर्ता यहां मौजूद थे। आज यहाँ पे वार्ड नंबर 19 में क्रिस्टल हॉस्पिटल की तरफ से गौस मत्तेमूर ने हेल्थ कैंप रखा है, जो सुबह 10:30 से शुरू हुआ और कई लोग यहाँ आकर अपना चेकअप वगैरह कराए हैं और दवाएं मेडिसिन वगैरह लिए हैं। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, फ्री हेल्थ चेकअप है यहाँ पर। शाम में 5 बजे तक है, आप लोग जो भी है यहाँ आकर अपने हेल्थ का चेकअप कराइए और फ्री मेडिसिन लेके जाइए यहाँ से। आने वाले दिनों में इलेक्शन बिल्कुल करीब है, हम आप लोगों से यही गुजारिश है कि जिस तरह से आप लोगों ने मुत्तहिद होकर मुझे 2018 में जिताया था और मैंने जो वादे किए थे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सब पूरे हुए हैं। आने वाले दिनों में भी आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का साथ रहा, तो मैं जो भी बचे हुए काम है वो भी इंशाल्लाह आइंदा पूरे करेंगे। आज वार्ड नंबर 19 में ग़ुलाम मोहम्मद गौस मत्तेमूर साहब की जानिब से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप व फ्री मेडिसिन कैंप मुनक़िद किया गया था, जिसमें ख़वातीन के लिए ख़वातीन डॉक्टर का इंतज़ाम और जेंट्स के लिए जेंट्स के डॉक्टर्स का इंतज़ाम, इसी के साथ साथ BP, शुगर, थायराइड, तमाम भी जितने भी डिसीज़ हैं उन तमाम के लिए जो है ना यहाँ पर फ्री मेडिसिन और चेकअप भी रखा गया था, जिसमें सुबह से लेकर अब तक हज़ारों के तादाद में अवाम इस कैंप से इस्तेफादा हासिल कर रही है। इस कैंप का रखने का मकसद ग़ुलाम मोहम्मद गौस मत्तेमूर साहब का यही मकसद है कि मेरे वार्ड की अवाम जो है ना हेल्थ के लिए जो है ना परेशान नहीं होना है। जिस तरह से बुखार, BP, शुगर, खांसी, ये जितनी भी चीज़ें फ़िलहाल बढ़ती जा रही है मौसम के बदलने से, इसलिए गौस साहब ने अपने वार्ड के तमाम अवाम के लिए अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दी, जिसमें ECG का भी जो है ना चेकअप रखा गया था उसमें भी, और किसी भी किस्म का अगर बड़ा डिसीज़ आया है इसके अंदर कोई ऑपरेशन की वजह, तो ऑपरेशन भी जो है ना ग़ुलाम मोहम्मद गौस मत्तेमूर साहब की तरफ से फ्री मुनक़िद किया गया है। दिनांक 5/3/2023 क्रिस्टल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वतियिंद मोहम्मद गौस गुज्जुभाई मत्तेमूर अवर नेतृत्व दल्ली मेगा हेल्थ चेकअप कैंप हम्मिकोंडिद्दु। ई कैंपिनल्ली ECG फ्री, मेडिसिन फ्री, शुगर टेस्ट, BP टेस्ट फ्री, आर्थोपेडिशियन इद्दरु, पीडियाट्रिशियन इद्दरु। ई क्रिस्टल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल संतरासडियल्ली बरुत्ते, इल्ली चार्जस्सु भाळ कडिमे, सर्विस चलो अद, हागागि ई एरियाद एल्लरू जनरु ओंदु सुरक्षित आरोग्यवागिरलि एंदु ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಗೋಸ್ ಗುಜ್ಜುಬೆ ಮತ್ತಿಮೂಡವರು ಇದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೀಮ್, ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮೆಗಾ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಿರಲಾದಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಉಚಿತ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ನಾನು ಈ ಏರಿಯಾದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂಥ ಗುಜ್ಜುವರೆಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ।
आज बरोज इतवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये हेल्थ कैंप रखा गया है, जिसके अंदर बीपी, शुगर, सर्दी, खांसी, एसीजी, तमाम बॉडी का चेकअप फ्री रखा था। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमेला औरतों के लिए भी जो है ना, ख़ास कर ख़वातीन के लिए जो मेरे पर्दा नशी माँ और बहनें हैं, उनके लिए ख़ास कर लेडीज़ डॉक्टर रखा गया था यहाँ पर। और उसी के साथ साथ जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए बच्चों के डॉक्टर स्पेशलिस्ट को यहाँ पर लाकर रखा गया था। जिसी के साथ साथ जो जेंट्स है, जेंट्स के लिए जेंट्स डॉक्टर को यहाँ पर रखा गया। मैं आली जनाब क्रिस्टल हॉस्पिटल के रहबर मेन हेड आली जनाब निसार पटेल साहब का और उनकी पूरे हॉस्पिटल की टीम का और मेडिकल जो चला रहे हैं मेडिकल वालों का और मेरे तमाम दोस्त अहबाब साथी लोगों का सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये हेल्थ कैंप बड़ा से बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूं कि इन डॉक्टरों को, इन पेशेंटों को, सबको अल्लाह ताला तमाम लोगों को अल्लाह सेहत रखे, तंदुरुस्त रखे और उनकी तमाम बीमारियों को हटाकर तंदुरुस्ती अदा फरमाए। शहर की आवाम को गुमराह करने के लिए सारे कुछ चंद मफाद परस लीडर आवाम को डिवाइड करने के लिए, अंग्रेज़ों की तरह डिवाइड एंड रोल करने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। उस मुहिम का नाम है आवामी बेदारी। मैं वो जो मुहिम चला रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आवाम बेदार नहीं है। आवाम के बीच में आप जा रहे हैं तो आवाम बेजार हो रही है। और एक बात, मैडम ने काम नहीं किया, मैडम ने NRC में नहीं बोला, मैडम ने हिजाब के मामले में नहीं बोला, मैडम ने सब में पहले मैडम कनीस फातिमा जाकर पार्टी हाईकमांड जो भी बोली है नहीं बोली है, मैडम फिर भी जाकर DC ऑफिस में तमाम गुलबर्गा शहर के लोगों को लेकर स्ट्राइक किए हैं और गली गली जाकर स्ट्राइक किए हैं। रही बात NRC की, NRC के वक्त हर वार्ड में, हर गली में, हर शहर के लुके पर, हर चौराहे पर फंक्शंस कर गली से लेकर दिल्ली तक मैसेज दिया है मैडम कनीस फातिमा साहिबा ने। और कहते हैं कि मैडम ने क्या किया, आप आओ रोड पे, आओ हमारे घर के पास देखो, आपके घरों के पास देखो, जो लीडर बोल रहे हैं मैडम ने क्या किया। आपके घर के बाहर निकलते ही आपके घर के सामने रोड है, नाली है, डेवलपमेंट है, शहर में लाखों करोड़ों रुपए के काम चल रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि मैडम ने क्या किया, मैडम ने क्या किया। अरे तुम लोग अब तो भी बोलना छोड़ो यार, खमरू इस्लाम रहे जब भी उनको बदनाम करते थे, आज भी, आज मैडम कनीस फातिमा उनकी अहिल्या हैं, आज उनको भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये छोड़ दो ये बदनाम करने का काम, और सब एक साथ मिलकर काम करते हैं इंशाल्लाह, सभी आवाम को लेकर एक मुत्तहिद होकर काम करेंगे इंशाल्लाह।